इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीमा पर युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है ईरान, विध्वंसक हथियारों की तैनाती में जुटा हुआ है ईरान, युद्ध में आर्मेनिया के साथ है ईरान। और इससे पहले ईरान बॉर्डर पर मिस फायर की खबर थी, लेकिन ईरान ने भी अब लगता है अपना मन बना लिया है आर्मेनिया की तरफ से लड़ाई में उतरने का, क्योंकि वो अपने बॉर्डर पर युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है। और तस्वीरें देखिए कैसे बॉर्डर पर हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, टैंक पहुंचाए जा रहे हैं, कैसे तैयारी की जा रही है ईरान में युद्ध की, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ईरान की इस युद्ध की तैयारियों को तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ईरान युद्ध में कूद जाता है आर्मेनिया की तरफ से तो युद्ध की शक्ल कैसी होगी, इस पर बात करते हैं। गुरमीत जी, क्या लगता है आपको, क्या ईरान आएगा इस युद्ध में? बॉर्डर पर तो उसने तैयारी शुरू कर दी है। गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि टीवी चैनल TV9 भारतवर्ष अभिषेक और चेतन की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं। ये आपकी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी को चार चांद लगाएगी अवश्य ही। जो आपने सवाल किया है, देखिए ये दोनों आर्मेनिया अज़रबैजान जो हैं, ये ईरान के पड़ोसी हैं। ये जो लड़ाई है, जो टर्की का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, उनको डायरेक्ट सपोर्ट भी है, जो मर्सनरीज और टेररिस्ट को भी यहां लेके आए हैं और अज़रबैजान को इतने हथियार दिए हैं। अभी ये जो लड़ाई सिर्फ अज़रबैजान और आर्मेनिया की नहीं है, इसके अंदर में रशिया, ईरान, फ्रांस और अभी तो यूएस भी आ गया है। और ईरान की बड़ी बात यह है कि ईरान का जो चुनौतियां हैं ना केवल यूएस और इजराइल की हैं, लेकिन इस जगह पर जो हो रहा है इसका असर अवश्य ईरान पे पड़ेगा, तो उसको इस लड़ाई के अंदर में भी अपना एक बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने तो ईरान में जो उनका नॉर्थ वेस्ट इलाका है साकेज का, वहां एक साल बिताया है और इस चीज को बहुत करीब से देखा है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हिस्टोरिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक खेमे में अमेरिका और ईरान जैसे जानी दुश्मन खड़े हों तो वाकई इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं राजन आपके पास आऊंगा। राजन, क्या ईरान अगर युद्ध में आता है, फ्रांस और टर्की में तो जिस तरह से तनाव बढ़ गया है, ऐसा लगता है कि फ्रांस आर्मेनिया की तरफ से आएगा टर्की को जवाब देने के लिए, लेकिन क्या ईरान जैसा मुल्क आता है तो क्या इस युद्ध की शक्ल बदल जाएगी? इसमें कोई शक नहीं कि अगर ईरान इस युद्ध में शामिल होता है तो ये बिल्कुल एक तरफा युद्ध हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि ईरान भी केयरफुल रहेगा, क्योंकि जो अजेरी, हालांकि अज़रबैजान में ज्यादातर लोग शिया हैं और जो अजेरी पॉपुलेशन है उस वो जो जो ईरान से उनका जो इलाका है वहाँ पे अजेरी बहुत ही माइनॉरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी है। और ईरान भी अज़रबैजान से इसलिए परेशान है कि उसको लगता है कि कभी ना कभी अज़रबैजान उस माइनॉरिटी को भड़काने की कोशिश करेगा। तो ईरान, और दूसरा ईरान के साथ है कि ईरान को रशिया का सपोर्ट है, तो कभी भी वो रशिया के विरोध में नहीं जाएगा और टर्की से उसकी लड़ाई चलती है। तो ये ईरान अगर जाता भी है युद्ध में, हालांकि उसकी संभावना मेरे हिसाब से काफी कम है, लेकिन वो जाएगा तो एक तरह से टैसिटली, एक तरह से छुपे छुपे वो आर्मेनिया को सपोर्ट करने की कोशिश। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, जो आप कह रहे हैं राजन की कहीं ना कहीं ईरान अगर आया तो अज़रबैजान को तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।